वेलकम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग। आज हम देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उसे हम कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो है, जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जो क्लू दिया गया होता है उसको डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसको डिकोड करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए, जिसमें कहा गया है फाइव सिटीज़ ऑल गॉट मोर रेन देन यूजुअल दिस ईयर। द फाइव सिटीज़ आर औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, मुंबई एंड नागपुर। द सिटीज़ आर लोकेटेड इन द फाइव डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री, माउंटेन्स, द फॉरेस्ट, द कोस्ट, द डिजर्ट एंड द वैली। द रेनफॉल अमाउंट इज 24 इंची, 54 इंचज, 64 इंचज एंड 84 इंचज एंड 130 इंचज। तो ये तो गया पहला इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो क्लू आता है वो देखिए, द सिटी इन द डिजर्ट गॉट द लीस्ट रेन एंड द सिटी इन द फॉरेस्ट गॉट द मोस्ट रेन। पुणे इज इन द माउंटेन, औरंगाबाद गॉट मोर रेन देन मुंबई, अहमदनगर got more rain than Nagpur but less rain than Pune, Mumbai got 88 inches of rain, the city in the mountain got 64 inches of rain, the city on the coast got 54 inches of rain। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे तीन इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देखिए, पहले तो आता है रेनफॉल, फिर आता है लोकेशन, फिर आता है सिटी। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इन्फॉर्मेशन को हम पैरामीटर मान के दूसरे दो इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। तो पहले का हम रेनफॉल का ले लेते हैं, रेनफॉल हम ले लेते हैं, ग्रेटर देन लेस देन को रेनफॉल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं लोकेशन, उसके बाद हम लिखते हैं सिटी। तो रेनफॉल का मैक्सिमम टू मिनिमम हम लिखेंगे, ग्रेटर देन लेस देन, मैक्सिमम कितना आता है 130, उसके बाद आता है 88, उसके बाद आता है 64, उसके बाद आता है 54, उसके बाद आता है 24। ये तो आ गया। अब लोकेशन और सिटी को हम ऐसे ही रैंडमली नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए, द सिटी इन द माउंटेन गॉट 64 इंचेस रेन एंड द सिटी इन द कोस्ट गॉट 54 इंचेस। ये लास्ट का इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हम कैसे देखें, फर्स्ट का जो इन्फॉर्मेशन, द सिटी इन द डिजर्ट गॉट द लीस्ट रेन एंड द सिटी इन द फॉरेस्ट गॉट द मोस्ट रेन। तो इसे हम लिख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में, तो लिस्ट में डिजर्ट आ जाता है, डिजर्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिजर्ट, और जहाँ पे मैक्सिमम होता है वो फॉरेस्ट है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉरेस्ट, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं, औरंगाबाद गॉट मोर रेन देन मुंबई, इसका क्लू तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं, अहमदनगर गॉट मोर रेन देन नागपुर बट लेस देन पुणे, इसका भी नहीं होगा। मुंबई गॉट 88 इंचेस ऑफ रेन, इसका हो गया। तो यहाँ पे 88 जो है, यहाँ पे हम मुंबई लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, द सिटी इन द माउंटेन गॉट 64 ऑफ रेन एंड द सिटी इन द कोस्ट एट 54। तो सिटी इन द माउंटेन जो है 64, तो माउंटेन में 64, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है माउंटेन। तो माउंटेन को हम मुंबई को एम से लिखा है, तो माउंटेन को हम एम ओ लिखते हैं, ठीक है। और 54 कितने में, 54 आ गया कोस्ट एरिया में, तो कोस्ट यहाँ पे हम इसको सी ओ लिख लेते हैं, कोस्ट हो गया। तो 1 2 3 4 हो गया, अब तो रह जाता है 88 में मुंबई है। तो देखिए, फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, कोस्टल एरिया हो गया और आपका माउंटेन हो गया, तो बाकी रह जाता है वैली, इसका मतलब मुंबई वैली में पड़ता है, ठीक है, इसको लिख देता है, हो गया। देखिए, 5 हो गया। अब देखिए, अब क्या लिखा है, अब लिखा है औरंगाबाद गॉट मोर रेन देन मुंबई, तो मुंबई से आगे क्या है 130, तो इसका मतलब औरंगाबाद में 130 इंच इसका रेनफॉल हुआ है, तो इसमें हम औरंगाबाद ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम औरंगाबाद लिख देते हैं, ए यू लिख देते हैं, हो गया। और आप देखिए, अहमदनगर गॉट मोर रेन देन नागपुर बट लेस देन पुणे, तो अहमदनगर में मुंबई पुणे से कम हुआ लेकिन नागपुर से ज़्यादा, तो यह तो तीन ही प्लेस है, तो इसका मतलब हमारा जो अहमदनगर है वो बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो अहमदनगर को हम इस यहाँ पर बिठा देते हैं। नागपुर से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब नागपुर हमारा कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, नागपुर हमारा आ जाता है नीचे आ जाता है नागपुर, ठीक है, और ऊपर चला जाता है पुणे। तो देखिए, यह डिकोड हो गया। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ दिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, हुई सिटी इज इन द डिजर्ट, डिजर्ट में कौन सा सिटी है, तो डिजर्ट में कौन सा सिटी है देखते हैं। तो डिजर्ट में हमारा जो सिटी आता है वो आता है नागपुर, तो ऑप्शन हो गया डी। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन आ गया डी। दूसरे वाले में है हुई सिटी गॉट द मोस्ट रेन, किसमें ज़्यादा बारिश होता है, तो बारिश जिसमें जाता है 130, किसमें हो गया औरंगाबाद में, तो इसको हम औरंगाबाद कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं हाउ मच रेन डिड अहमदनगर गेट, अहमदनगर में कितना बारिश हुआ, तो अहमदनगर किस पे है ये देखिए आखिर से दो नंबर में 54 आ गया, तो इसका आंसर का अहमदनगर में आता है 54, इसमें आ गया 54, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या आता है, वायर मुंबई इज लोकेटेड, तो मुंबई तो हमने पहला हमने डिकोड किया था मुंबई जो वैली में पड़ता है, तो मुंबई को हम वैली में फिर कर देते हैं, देखिए ये वैली में, तो मुंबई को हम कहा देते हैं, हम दे देते हैं वैली में। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन यह सही हुआ, पहले वाले में डी हुआ, उसके बाद आ गया ए, उसके बाद आ गया बी, और उसके बाद आ गया सी। तो ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस तरीके से इसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आगे हम और भी वीडियो आपको इस तरह से भेजेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो।